इंदौर के खंडवारोड स्थित मल्टी फैसिलिटी इंदौर ट्रामा सेंटर का शुभारंभ मंत्री उषा ठाकुर की मौजूदगी में हुआ, जहां कई आधुनिक मशीनों से मरीजों के ऑपरेशन की सुविधा है। इंदौर ट्रामा सेंटर के प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल गहलोत ने बताया कि प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व महापौर मधु वर्मा और संघ प्रमुख बलिदान पटेल की मौजूदगी में शहर के खंडवारोड स्थित रविवार को ट्रामा सेंटर का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर गहलोत के साथ ही डॉक्टर अतुल चौधरी और डॉक्टर विक्रम पटेल इस ट्रामा सेंटर के मुख्य रूप से कई विशेषज्ञों के साथ सेवा देंगे। डॉक्टर गहलोत के मुताबिक एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह की आधुनिक फैसिलिटी के साथ ही गरीब और जरूरतमंदों लोगों की कम दाम में सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। वहीं आयोजन के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने इस समय सेंटर के खुलने पर सभी को बधाई दी और कहा कि आज के युग में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। ये जो इनका स्वयंसेवक भाव है, ये निश्चित रूप से सच्ची मानवता की सेवा करेगा। और ट्रामा सेंटर जो हमारा पहला सुख निरोगी काया की दिशा में लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करेगा, ये हम सबको पूरा भरोसा है। इंदौर ट्रामा सेंटर का मुख्य जो उद्देश्य है हमारा कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना है, और जो भी फ्रैक्चर वाले पेशेंट हैं, एक्सीडेंट वाले पेशेंट हैं, उनको तुरंत इलाज मिले, इस टाइप की हमारी कामना है। और आज का जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता श्री सुश्री उषाजी ठाकुर द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्य हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।